हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक एंड फॉर पोजिशनल ऑल्सो बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट आप देख सकते हो। आप 90 to 100 में कुछ क्वांटिटीज़ फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऐड कर सकते हो एंड फॉर पोजिशनल ऑल्सो। वीकली का अगर हम चार्ट देखें, स्टॉक 41 से 100 तक ऑलरेडी रैली कर चुका है। वीकली में स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो एज़ पर वीकली चार्ट्स 83 to 100 जोन में भी आप कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। मंथली का अगर आप चार्ट देखें, स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही था। स्टॉक ने 32 से 98 एंड देन अगेन 41 से 100, तो स्टॉक नियर अबाउट 30 to 40 की रेंज में बेस बनाया है। एज डिस्कस 90 to 100 में कुछ क्वान्टिटी ऐड कर सकते हो। रिमेनिंग क्वान्टिटीज नियर अबाउट 50 to 60 में ऐड कर सकते हो। इसमें पिछले मंथ का कैंडल जो है बहुत ही अच्छा बना है और स्ट्रांग बना है। आप इसमें इन नियर टर्म 110, 120, 135 में वो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज पर चार्ट हिस्ट्री इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप इसमें 160, 170 एंड अबो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर पोजिशनल ट्रेड आप इसमें 86 to 90 में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड फॉर पोजिशनल ट्रेड आप ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट स्टडी कर लेना। एज पर इसका ट्रेड लेना, एग्रेसिव एंट्री मत लेना।